बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यूक्रेन और रूस का जो तनाजा चल रहा है, आज मैं उस पर बात करूंगा। दुनिया की सारी सोशल मीडिया गरम है, आज सारी दुनिया की नजर यूक्रेन और रूस पर है। सारी दुनिया में हलचल मची हुई है, सारी दुनिया अपनी अपनी पैदी की नजर से इस जंग को देख रही है और इसी सिचुएशन में यूक्रेन भी बस नजर आ रहा है। लेकिन आज मेरे जहन में एक सवाल उठा है, रूस और यूक्रेन के इस तनाजा के तो 5-6 दिन हो गए, दुनिया की सारी सोशल मीडिया एक्टिव हो गई, अक्वामी मुत्तहिदा में हलचल मच गया, लेकिन हमारा अफगानिस्तान और कश्मीर जो सारी उम्र इस आग में जल रही है। अफगानिस्तान तो जंगों का अड्डा बन गया था, अफगानिस्तान की गरीब आवाम आज तक दर बदर है। रूस ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई दी, अमेरिका ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई दी, लेकिन नुकसान तो अफगानिस्तान का हुआ था ना। अफगानिस्तान की जमीन पर चल रहा था, अफगानिस्तान सारी उम्र बैटल फील्ड की तरह इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ कश्मीर, जिसका हल अक्वामी मुत्तहिदा ने 70 साल में ना निकाला, ना दुनिया की किसी मीडिया ने ये बात उठाई। हम मुसलमानों का कसूर क्या है? आज तक मुसलमानों का दर्द किसी ने महसूस नहीं किया, ना करेगा, क्योंकि ये नफरत की जंग है और नफरत की जंग कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हम मुसलमान हैं और इंसानी हकूक का तकाजा है, अल्लाह सारी दुनिया में अमन कायम फरमा, अल्लाह रूस और यूक्रेन के इस तनाजे को खत्म करना, अल्लाह सारी दुनिया में मोहब्बत फैलाओ। छोटा इमरान हन है पर पुख्तन हुआ बुनेर वसलाम। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। बहुत बहुत शुक्रिया। करानु कतुन को तासो चे माले सोरा मीना राकले दा सोरा दाद हो राकले, तो तासो शुक्रिया दाकुम, डेरा डेरा मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।